हेलो फ्रेंड, मैं हूँ निताहिर। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर पाक, यानी कि खजूर के लड्डू। खजूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम खजूर ले लिया है। अंदर जो बीज थे वो मैंने हटा दिया है। एकदम बारीक पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी दरदरी रखेंगे। ये हमारी खजूर की पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम उसको एक बोल में निकाल देंगे। आप चाहे तो खजूर के छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसका पेस्ट बना लिया है। ये खजूर की पेस्ट को हम साइड में रख देंगे और चलते हैं हम दूसरी प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ गैस को ऑन किया है और एक पैन रखा है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो जाए तब हम उसमें खाने का गुड़ डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम गुंद को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गुंद अच्छी तरह से फूल जाए तब तक हम उसको ऐसे फ्राई करेंगे। देखिए, ये गुंद हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम उसमें डाल देंगे 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। और 2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें मगजतरी के बीज। 2 चम्मच डाल देंगे तिल और मिला देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम उसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम उसमें डाल देंगे 1 कप ग्रेटेड सूखा कोपरा। ये ड्राई फ्रूट्स को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, 1 मिनट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे। ये भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स को हम साइड में रख देंगे और वहीं पैन में हम 2 चम्मच जितना घी डाल देंगे और जो हमने खजूर का पेस्ट रेडी किया है वो डाल देंगे। और खजूर की पेस्ट को हम उसको ऐसे घी में 2 मिनट के लिए भून लेंगे। पहले हमें वो ऐसे ज़्यादा स्टिकी लगेगा, लेकिन जैसे ही गर्म हो जाएगा तो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसको ऐसे 2 मिनट के लिए भूनना है। हम उसको ऐसे लगातार ही स्पून की मदद से ऐसे चलाते जाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स और अच्छी तरह से मिला देंगे। बहुत ही धैर्य से मिलाएंगे तो आसानी से सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें उसको पूरा ठंडा होना नहीं देना है, थोड़ा सा गर्म हो तभी हम उसके लड्डू तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ रोल कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे और लड्डू भी बनाएंगे। तो पहले हम ऐसे एक बड़ा सा रोल तैयार करेंगे। इस रोल को हम एक एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और एल्यूमिनियम फॉइल में हम इस रोल को रख देंगे और अच्छी तरह से कवर कर देंगे। दोनों साइड से अच्छे से ऐसे फोल्ड कर देंगे और 2 घंटे के लिए हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे लड्डू। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है और सारे लड्डू हम ऐसे बना लेंगे। लड्डू आप अपने पसंद के अनुसार बनाइए, छोटे या बड़े, जैसे आपको पसंद है वैसे। हम यहाँ मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे। ये हमने सारे लड्डू बना लिया है। अब हम नारियल के बुरादा में सारे लड्डू को ऐसे रगड़ देंगे। आप चाहे तो यहाँ नारियल के बुरादा की जगह खसखस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जब ये रोल बनाएंगे तो यहाँ खसखस का यूज़ भी करेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है और सर्दियों के मौसम में हेल्थ के लिए ये लड्डू बहुत ही अच्छे हैं। ये लड्डू हमारे बनके रेडी हो चुका है और हमारा जो रोल बनाया था उसको भी 2 घंटा हो चुका है। अब हम उसको खोल देंगे। खोलकर हम उसको एक नाइफ की मदद से काट लेंगे। देखिए ऐसे। इस रोल को हम खसखस के बीज में ऐसे रगड़ देंगे। देखिए ऐसे। आप चाहे तो लड्डू को भी खसखस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दोनों ट्रिक बताया है तो दोनों अलग अलग बताया है। देखिए, हमने इसको सारे रोल तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ऐसा खसखस लेंगे और खसखस के में हम ऐसे सारे रोल को रगड़ देंगे। देखिए, ये हमारे लड्डू भी तैयार है और हमारे रोल भी तैयार है। आपको जो पसंद है वो आप बनाइए। आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आएंगे एक नई रेसिपी लेकर।